ब्रेक से वापस आ गए हैं तो आए और भी लोगों से बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम? हफ्सा खालिद। क्या करते हो? मैं अभी आज ग्रेजुएट हुई। मुबारक हो। थैंक यू। चलिए जी, सवाल करते हैं आपसे। जी, मुझे बताएं कि वो कौन सा जानदार है जो अपने तमाम काम जो हैं वो हाथों की बजाय अपने नाक से करता है? जो नाक से करता है, पता नहीं। ये क्या शेयर करोगी, गाना सुनाओगी? थैंक यू। आ ही जाता है दिल जिस पे आना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। ये लो लाहौर न्यूज की तरफ से आपके लिए गिफ्ट। डे फ्रेश की तरफ से भी आपके लिए गिफ्ट। वेलकम जी। अच्छी सी आवाज में गाना सुना, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। किसी और से बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? आयशा। आयशा, क्या सी जी पे आया? जी पे 3.74। 3.74, चले जी, वेरी नाइस। ओके, सवाल करें आपसे? जी। चले जी, मुझे ये बता दें कि आपके सूरज की रोशनी को ज़मीन में पहुँचने में कितना टाइम लगता है? सूरज की रोशनी को अगर साइंस स्टूडेंट होती तो क्विकली आंसर कर सकती थी, लेकिन आई डोंट नो। सॉरी, क्या सुनाओगी? मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर इंसान अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में नमाज को अपनी रूटीन में बना ले तो इंसान खूबसूरत से खूबसूरत होता चला जाता है। पढ़ती हैं? यस। माशाल्लाह। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए गिफ्ट। थैंक यू। डे फ्रेश की तरफ से भी आपके लिए गिफ्ट। थैंक यू मैम। वेलकम जी। बहुत अच्छी खूबसूरत बात की इन्होंने, और मैं हमेशा कहती हूँ कि नमाज ज़रूर पढ़ें। बहुत रीजंस होते हैं आपके पास नमाज ना पढ़ने के, एक रीज़न बना लें नमाज पढ़ने का। और आपको कुछ समझ ना आ रहा तो आप जब सुबह उठें या जब भी, तो आप देखेंगे अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने आपको कितनों से बेहतर बनाया, और उस शुक्रिया अदा करने के लिए आप उन सजदा करें, नमाज पढ़ें, तो आपकी आदत जो है वो डेवलप हो जाएगी। किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मुबीन फरीद। ओके जी, डिग्री मिल गई? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। कंग्रेचुलेशन, क्या प्लान है आगे? कुछ नहीं, आई एम डूइंग जॉब। क्या? फ्रीलांसिंग कर रही हूँ। जबरदस्त। चलो सवाल करूँ? जी। मुझे बताएं आप कि किस मुल्क के बच्चे हैं जो बहुत रोते हैं? तीन मुल्क हैं, हर वक्त कहते ना रोला डाला होता है। पाकिस्तान, इंडिया, चाइना। तीनों ही नहीं है। कोई और ट्राई करें, एक ही जवाब दे दें उसमें। ये मुल्क है दुनिया में, ट्राई करो ना। अफगानिस्तान, ईरान। अफगानिस्तान के बच्चे रोए? ना ना ना। चलो क्या सुनाओगी? मैं ब्यूटी टिप शेयर करूंगी जो मैं होममेड स्क्रब है, हनी और कॉफ़ी का। हनी में कॉफ़ी मिक्स करें और उसको ट्वाइस अ वीक लगाएं और आपकी स्किन मज़ेदार हो जाएगी। हाँ, स्क्रबिंग करनी है? स्क्रबिंग करनी है और बहुत मज़ेदार। कितनी देर के लिए लगाने? अप्लाई करके 5-10 मिनट स्क्रब करें, सॉफ्ट रेंज में। ओह, यू डोंट नीड एनी अदर थिंग। वेरी नाइस, वाइटनिंग। वेरी नाइस। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए गिफ्ट। डे फ्रेश की तरफ से भी आपके लिए। थैंक यू सो मच। यू वेलकम जी। इन्होंने बहुत अच्छी जो है मेरे ख्याल से आपको काम की बात बता दी है। शहद भी घर में होगा, कॉफी भी घर में होगी, और उन दोनों को मिक्स करें और खाएं नहीं, अपने मुंह पे लगाएं। और अच्छा, प्लीज मैं बार बार कहती हूँ कि आप स्क्रब यू ना क्या करें। मुझे अक्सर आप लोगों ने सोशल मीडिया पे मैसेज किया है कि हमारा फेस रेड हो गया। आप जब उसको कैसे करेंगे, जैसे वो ब्रश से धोबी कपड़े नहीं धोता, इस तरह मुंह नहीं धोते हैं। नो, जस्ट लाइक स्लो सर्कुलर मोशन में आपने आराम आराम से, आराम आराम से, चाहे आपको खुद से प्यार ना हो मगर ऐसे करेंगे जब आप ऐसे ऐसे प्यार से करें, इस तरह क्या करें। ठीक है, किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? माय नेम इज फरियाल। क्या करते हो? एमफिल में एडमिशन लिया है। चलो मुझे बताओ वो कौन सा मुल्क है जहाँ पे आप एक साथ 50 किलो आलू नहीं रख सकते, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, चाहे वो घर हो, कहीं पे भी। ये तो बहुत मुश्किल सवाल है, मुझे नहीं आता। क्या सुनाओगे? गाना, बातें ये कभी ना तू भूलना, कोई तेरी खातिर है जी रहा, जाए तू कहीं भी ये सोचना,
کوئی تیری خاطر ہے جی رہا زبردست لاہور نیوز کی طرف سے آپ کے لیے گفٹ ڈے فریش کی طرف سے بھی آپ کے لیے گفٹ تھینک یو سو ویری مچ ویلکم جی اچھا سا گانا سنا کسی اور سے بات کرتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام کیا نام زباریہ زباریہ نائس نیم کیا مطلب ہے اس کا بلومنگ فلاور ویری نائس کس نے رکھا نام میری باجی نے رکھا واؤ اوکے مجھے بتاؤ وہ کون سا ملک ہے جہاں پہ ایک بہت ہی خوبصورت ہوٹل ہے مگر اس کو ہر سال دوبارہ سے بنانا پڑتا ہے آئی ڈونٹ نو کوشش کرو بہت ٹھنڈا ملک ہے پتہ نہیں برف پڑتی ہے وہاں پہ برف تو پھر ہر جگہ پڑتی ہے ہر جگہ تھوڑی نہ پڑتی ہے نہیں برف ہر کنٹری میں پڑتی ہے دیکھیں آپ بہت زیادہ ٹھنڈا ہے پاکستان کا کیپن ڈرو آپ سمجھ آئی چلو لاہور نیوز کی طرف سے آپ کے لیے گفٹ ڈے فریش کی طرف سے بھی آپ کے لیے گفٹ ویلکم جی بالکل صحیح جواب دیا انہوں نے کینیڈا ہی ہے جہاں پہ انتہا سے زیادہ برف بھی پڑتی ہے اور وہاں پہ جو وہ ہوٹل ہے اس کو دوبارہ سے بنانا پڑتا ہے کیونکہ جب گرمی آتی ہیں تو وہ میلٹ ہو جاتا ہے کسی اور سے بات کرتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام نام یسرا لیاقت السلام علیکم کا نام ارشد لیاقت لیاقت کون سی کلاس تھری کیا کرتے ہیں آپ بزنس مین زبردست چلے جی گولڈ میڈل کنگریچولیشن تھینک یو سو مچ اوکے جی کیا بننا چاہتی ہیں آپ آگے سون ٹو بی پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ اس کے بعد فی الحال اسٹوڈنٹ دین انٹرپرینرشپ کروں گی بزنس مین کی بیٹی ہوں تو ان شاء اللہ بزنس وومن بنوں گی زبردست چلے جی خوشی ہو رہی ہے آپ کو ہاں جی ان شاء اللہ بڑی میں خوشی بچوں کی تو خوشی ہوتی ہے چلے جی بالکل اوکے سوال کرتے ہیں ٹھیک ہے بہت آسان سوال کرتے ہیں لوگوں سے میں نے مشکل کیا ہے آپ سے آسان ٹھیک ہے مرغی انڈا دیتی ہے گائے دودھ دیتی ہے وہ کون سا جاندار ہے جو دونوں چیزیں دیتا ہے انڈا بھی ارے سب سے آسان کیا گائے دودھ دیتی ہے مرغی انڈا دیتی ہے ایک جاندار ہے جو دونوں دیتا ہے مگر اس کا جو آپ عورتیں ہوگا تو مار پڑے گی ہمیں چلے کوئی بات نہیں کیا سنائیں گے آپ حسبی ربی جل لاما فی قلبی کربلا نور محمد صلی اللہ الہ الا اللہ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی کر الا نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چپ کے پڑھتی تھی بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام میں پاک خدا دل یہ عمر تھا بول اٹھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ معافی کر بھی غیر الا نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ آپ جزاک اللہ اور کیا شیئر کرو گی آپ ایک پوئٹری شیئر کروں گی ہم پر الزام ہے کہ ہم نے بہت سے خواب پال رکھے ہیں اب تعبیر مانگتی ہیں آنکھیں پختہ آنسو سنبھال رکھے ہیں جو گئے لوٹ کر پھر نہیں آئے وقت نے ستم ایسے کمال رکھے ہیں آرزو کرتے رہے جستجو کی ہی نہیں سارے فیصلے قسمت پہ ڈال رکھے ہیں کوئی بہتا ہی نہیں دریاؤں سنگ سب نے کنویں سنبھال رکھے ہیں درد اتنا ہے کہ سنبھلتا ہی نہیں ہے ہم سے فرق اتنا ہے کہ درد اپنے پہ نظر رکھے ہیں
ये हम क्या लिखें, हाथ कांपते हैं, लफ्ज कागज पर उतार रखे हैं। अरे वाह, ये जी लाहौर न्यूज की तरफ से अंकल आपके लिए गिफ्ट, देव फ्रेश की तरफ से आपके लिए बेटा, और ये डे फ्रेश की तरफ से आपके लिए। और पढ़ो, दूध पियो। जी बड़ा मजा आया, बहुत ही प्यारी फैमिली थी, बहुत अच्छा लगा किसी और से बात कर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम? फातिमा। मैं हूँ। अच्छी लग रही हो। शुक्रिया। ओके, मिल गई डिग्री? जी मिल गई। मुबारक। चले मुझे बताएं कि आपने एक चीज बोलनी। मैं यही बोलूंगी। नहीं, जो मैं कहूंगी वो बोलना। आपने बोलना है अब्दुल गोल गपंगम। तेज तेज। अब्दुल गोल गपंगम। एक दफा नहीं बोलना, तेज तेज बोलना है। अच्छा। अब्दुल गोल गपंगम, अब्दुल गोल गपंगम, अब्दुल गोल गपंगम, अब्दुल गोल गपंगम। अब मैं थक गई हूँ। ओके, बट यू आर मेकिंग नाइस फेस। चलो क्या सुनाओगी? मैं यही सुनाऊंगी कि हर लड़की को एजुकेशन जो है वो ज़रूर गेन करनी चाहिए, बिकॉज एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। आपको सेल्फ इंडिपेंडेंट होने के लिए एजुकेशन गेन बहुत ज़रूरी है करना, और सब लोगों को पढ़ना चाहिए। और मेरी कैप हिल गई है, मैं बहुत थक चुकी हूँ इस टाइम तक। कोई बात नहीं है। लो जी, लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए गिफ्ट, और डे फ्रेश की तरफ से भी आपके लिए गिफ्ट। शुक्रिया। यू वेलकम जी। बड़े मजे से जैसे वो बोल रही थी अब्दुल गोल गपंगम, बड़ी क्यूट लग रही थी। अच्छा लगता है ऐसी कॉन्फिडेंट लड़कियों को देखकर। निकम। वालेकुम अस्सलाम। नबिया इरफान। ओके जी, मिल गई डिग्री? या। मुबारक। थैंक यू। क्या बनना है आगे जाके? अभी तो कोई प्लान नहीं, देखे आगे क्या होता है। चलें, बेस्ट ऑफ लक। सवाल करें आपसे? जी। आप रोड पे जा रही हैं, दो नोट गिरे हुए, एक 10 रुपए का, एक 30 रुपए का, आप कौन सा उठाएंगी? 30 रुपए का तो होता ही नहीं लोग। पक्का? अच्छा, और अगर 5,000 का गिरा और 10 रुपए का गिरा तो आप कौन सा उठाएंगी? मैं दोनों ही नहीं उठाऊंगी। क्या करूं? अरे नकली भी हो सकते हैं। असली नोट है। चलो, एक 5,000 का नोट है, एक 1,000 रुपए का नोट है, असली है, मैंने खुद देखे हैं, कौन सा उठाओगी? मुझे उठाने नहीं है। भाई कोई पास नहीं है, गिरा हुआ है, अल्लाह की तरफ से आपको मिला तो क्यों नहीं उठाओगी? अल्लाह की जमीन से मिला। हाँ, कोई है भी नहीं तो आप इसमें क्या, आप चोरी तो नहीं कर रहे? आपको जमीन से गिरा हुआ मिला, किसी और की जरूरतमंद को मिलते मैं से ज्यादा जरूरतमंद हूँ। हाँ, कोई नहीं है, मैं बता रही हूँ, खाली हो गया सब कुछ, आप ही हो अकेली। तो फिर जितनी मेरी जरूरत होगी उसके हिसाब से उठा लूंगी, 1,000 उठा लूंगी अगर जरूरत हुई तो। नहीं पक्की में? अरे ये क्या बात हुई। चलो क्या सुनाओगी? पोएट्री शेर सुना देती हूँ। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। जबरदस्त, लाहौर न्यूज की तरफ से आपके लिए गिफ्ट। थैंक यू सर। डे फ्रेश की तरफ से भी आपके लिए गिफ्ट। थैंक यू। वेलकम जी, बहुत ही स्वीट सी प्यारी सी लड़की थी। अच्छा क्यों नहीं उठाओगे यार नोट? उठाओ, आपका है, किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम? हफ्सा अजीम। हफ्सा, मिल गई डिग्री? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। दिखाने वाली है? है बिल्कुल। अरे वाह जबरदस्त, वेरी नाइस वेरी नाइस, मुबारक हो। कैर होगा। चले जी मुझे बताएं, बेस्ट फ्रेंड कौन है? बेस्ट फ्रेंड मरियम। चली गई। कौन है जो जहर लगती है? बड़ी लड़कियाँ। बड़ी कोई एक जो बहुत ज्यादा, जो सबसे ज्यादा शौकियाँ मारती है क्लास में। कैसे शौकियाँ मारती है? उनको लगता है वो खुद ही सब कुछ है। आप ही दें ये अपनी फ्रेंड्स को पकड़े। चल मुझे बताएं कैसे मारती हैं शोक? यार उनको लगता है कि वही सब कुछ है और अगला बंदा कुछ है ही नहीं, औकात ही भूल जाती हैं अपनी। नहीं क्लास में आप लेक्चर ले रहे हो, ऐसा क्या होता जो आप लग रहे हो यार ये शोकी हो रही है? किस तरह मारती है? शोकी मार के दिखाएं। वो मैं बताती हूँ, मैं ऐसे करती हूँ, मैं वैसे करती हूँ, मैं मुझे आते हैं आंसर, चाहे आता कुछ भी हो। अच्छा और क्या? अरे अच्छा, कभी यहाँ पे हुआ किसी ने एक दूसरे को सही मारा हो? हाँ एक दफा मेरी अपनी भी लड़ाई हुई थी बाहर। देर दिन आध दिन मारा? नहीं इतना नहीं मारा, लिहाज कर लिया था, लेकिन आंटी जरा बदतमीजी करती, किसी और से मार पड़वा दी थी फिर।
कोई हाल नहीं है. चलो मुझे बताओ दुनिया का सबसे छोटा सहरा किस मुल्क में? कनाडा. वेरी नाइस, क्लैपिंग करो. बड़ी अच्छी चीजें, रिंग है, सब कुछ पहना है. शादी है, क्या करूँ? किसकी? मेरी. ओके. अरे वाह, लव मैरिज, अरेंज मैरिज? अरेंज. टोटली अरेंज? टोटली. कितना टाइम हो शादी को? अभी 2-3 मंथ्स हुए हैं. माशाल्लाह. अपने हस्बैंड का नाम बताएं. शहराज अहमद. शहराज की एक सबसे अच्छी और एक गंदी आदत बताओ. सबसे अच्छी आदत उनकी है कि वो बहुत अच्छे हैं, बहुत ख्याल रखते हैं और गुस्सा बड़ा आता है उनको. बात बात पे गुस्सा आता है. आपकी कौन सी बात है जो उनको बहुत गुस्सा दिलाती है? मैं फिजूल उनको तंग करती हूँ. कैसे? वो कभी चलते चलते उनको चुटकी काट देती हूँ या जब वो मजाक के मूड में नहीं होते उनको तंग करती हूँ, रात को सोने नहीं देती. चलो जी, आपके लिए गिफ्ट लाहौर न्यूज की तरफ से, आपके लिए गिफ्ट और डे फ्रेश की तरफ से भी आपके लिए गिफ्ट. थैंक यू सर. वेलकम. बहुत ही क्यूट पारूसी लड़की और बहुत ही उसने मजे की बातें की, बहुत कॉन्फिडेंट थी. बहुत मजा आता है ऐसे लोगों से बात करके जो अपनी जो है रिलेटेड चीजें शेयर करें. खैर किसी और से बात. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. सादिया. क्या करती हो? पढ़ रही हूँ, एमफिल कर रही हूँ. अभी एमबीएस की मैंने डिग्री ली आज. मुबारक हो. चले जी, पढ़ने के अलावा कुछ करती हैं? हाँ जी, मैं पढ़ाती हूँ बच्चों को. खाना बना लेती हैं? हाँ जी, बना लेती हूँ. सबसे अच्छा बनाती हूँ? मैक्रोनी या पास्ता, इस तरह की चीजें. अरे वाह. खाने में क्या पसंद? खाने में सब कुछ जो मिल जाए. अरे वाह. चलो जी, सवाल करें. मुझे बताएं कि वो कौन सा मुल्क है जहाँ के बच्चे सबसे ज्यादा रोते हैं? रोते हैं चाइना के बच्चे? नहीं, तीन मुल्क हैं, आप उसमें से किसी का भी नाम बता दो. पाकिस्तान, इंडिया. सॉरी मैम. मैं नंबर सुनाऊंगी. ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाईस के. ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नगमा खाइस के. इस चमन के फूलों में खून है शहीदों का. अर्ज़े पाक मरकज है कौम की उम्मीदों का. नज़्म व ज़ब्त को अपना मेरे कारवां जानो. वक्त के अंधेरों में अपना आप पहचानो. ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाईस के. वेरी नाइस. लाहौर न्यूज की तरफ से आपके लिए गिफ्ट. थैंक डे फ्रेश की तरफ से भी आपके लिए गिफ्ट. थैंक्स अ लॉट. लाहौर न्यूज लौरिया दी जाड़े. वेलकम जी. बहुत अच्छा नगमा सुनाया, दिल को कहते ना खुशी हो गई. जी नाज़रीन, टाइम हो गया है एक ब्रेक का. सो लेट्स हैव अ ब्रेक.